dear colleagues welcome to the video tutorial on the clotixa number seven LBL so before we begin ये समझना बहुत जरूरी है कि ये LBL intensive specialty के लिए बनाया गया है जहाँ पे VT prophylaxis में enoxaparin का बहुत बड़ा role है और जैसे कि हम लोग already aware हैं कि ICU में admitted patients thromboembolism की high हाँ risk पे रहते हैं और inpatients में routine prophylactic anticoagulation strongly recommended है

आईसीयू में एडमिटेड हर पेशेंट को थ्रोमो देना बहुत जरूरी है एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इनमें रिस्क फैक्टर्स क्या है इन रिस्क फैक्टर्स को भी समझना बहुत जरूरी है सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द पेशेंट्स वाई दई सी यू पेशेंट सो क्रिटिकली इल पेशेंट्स में मल्टीपल इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डियक फेलियर ट्रोमा वाले पेशेंट्स हो सकते हैं पेशेंट कैन बी इन द सेप्सिस पेशेंट कैंसर वाले भी हो सकते हैं इंक्रीजिंग एज साथ में ओबिसिटी सो ये मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट में थ्रोमो एम्बोलिज्म की रिस्क बढ़ जाती है और इन पेशेंट्स में थ्रोमोप्रोफिलेक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आईसीयू में एडमिट होना एक खुद ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है वीनस थ्रोमो एम्बोलिज्म के लिए तो पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट होता है

इन टर्म्स ऑफ दू है साथ में ही टी एफ पी है पाथवे इनिबेटर एक्टिविटी सो दिस इज द एडवांटेज ये एक एडवांटेज है जो डॉक्टर के सामने हमने कंटिन्यूसली हाईलाइट करना चाहिए दैट लोटिक्सा हैज क्लिनिकली प्रूव बायुलेन्स विद इनोवेटर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सन ऑफ यू

and it comes with the added needle safety system to prevent the needle stick injury so hope so this video tutorial will help you to understand the lbl and effectively discuss with the doctors so thank you colleagues